हालेलुया हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया, खोरा भागा सा खाला भागा शियाला खाला भागा सियाला खाला भागा सियाला रखा रा भागा सियाला खरा भागा शियाला। हालेलुया, आए हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हालेलुया, खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ ऐ जिंदा पाक जलाली खुदा। हम दिल से तेरे शुक्र गुजार हैं तेरी दी हुई सारी नेमतों बरकतों के लिए। ऐ खुदावंद, तू यहाँ मौजूद है खुदावंद। ऐ खुदावंद, आज तेरी इस हजूरी में ऐ खुदावंद दुआ करते हैं हम तमाम बहनें मिलकर और भाई मिलकर। ऐ खुदावंद, तेरी पाक हजूरी में आते हैं खुदावंद, तुझसे दुआ करते हैं। हम सबको आज तू छू ऐ खुदावंद, पाक रूह मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले ऐ खुदावंद। और जो आज तू हमसे कलाम करना चाहता है खुदावंद, वो तू कलाम कर सारी मनफी सोचों के बारे में। ऐ खुदावंद, जो हमें आके डिस्टर्ब करती हैं, जो शैतान की तरफ से है खुदावंद, तू हमसे बात कर ऐ खुदावंद, हमसे कलाम कर ऐ खुदावंद, और अपने कलाम से हमें भर दे ऐ खुदावंद, ताकि ये सारी मनफी सोचे जाती रहे ऐ खुदावंद। आज जितने ऐ खुदावंद इस प्रोग्राम को देखें ऐ खुदावंद, उससे बड़ी बरकत पाए ऐ खुदावंद। हम सब मिलकर हमारी जिंदगी से ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। हम सब मिलकर आज तेरी सिताइश करें, तेरी तारीफ करें। ऐ खुदावंद, तेरा छूना ऐ खुदावंद हमारे लिए काफी है। खुदावंद, तेरा फजल हमारे लिए काफी है। खुदावंद, आज तो हम सब कुछ हो, और सब की जो दुआएं दरख्वास्तें हो तेरी हजूरी में रखी जाएं, तो एक एक को सुन और कबूल फरमा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सब बहनों को अपनी बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि ये बहनों का प्रोग्राम है, वुमेन टू वुमेन, औरत से औरत तक का ये प्रोग्राम है, और सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। आज जैसे कि बुध का प्रोग्राम है, ये वेडनेसडे का प्रोग्राम है जो कि हम आपकी खिदमत में लाइव लेकर आते हैं। औरत से औरत तक का आज भी बहुत खास एक टॉपिक है कि कैसे आप अपनी नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारी सबकी जिंदगी में आती हैं, कैसे जो है आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आज हम खुदा का कलाम जो है वो शेयर करें, हम चाहती हूं मैं कि आप सब शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदा का कलाम जो है दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले, और आप और मैं और हम सब जो है खुदा के कलाम से भरते जाएं, और उसके वसीले से हम सब जो है वो बरकत पाए। वेलकम करना चाहती हूँ बहन संगीता को। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। शी इज वॉचिंग अस फ्रॉम स्वीडन स्टॉकहोम। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इमरान अंजुम है, सलाम सिस्टर जी लिख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। आसिफ सिंधु है हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली लिख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। आशीष प्रभु की हमेशा आप सब पर होती रहे। ब्योन आधाल इज वॉचिंग अस, गॉड ब्लेस यू ब्रदर ब्योन। आई विश दैट वी कुड डू दिस ऑल प्रोग्राम इन इंग्लिश और इन स्वीडिश और इन नॉरवेजियन, बट वी आर फोकसिंग मोर ऑफ आवर विजन। द विजन दैट गॉड हैज गिवन अस इज टू स्पीक इन आवर ओन लैंग्वेज, उर्दू हिंदी एंड पंजाबी। द पीपल हु अंडरस्टैंड उर्दू हिंदी एंड पंजाबी शेयर द वर्ड इन देयर ओन लैंग्वेज सो दे कैन अंडरस्टैंड इट एंड टेक दैट इन देयर हार्ट एंड एक्ट अपॉन दैट ऑल्सो। सो गॉड ब्लेस यू माई ब्रदर, होप वी कैन डू दैट प्रोग्राम इन इंग्लिश और इन नॉरवेजियन अनदर टाइम। अनिका शहबाज है हमें देख रही हैं, गॉड ब्लेस यू बहन अनिका, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बहन किरण है हमारी रेगुलर व्यूवर है, बहन अनिका हमारी रेगुलर व्यूवर है, आप सब हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। अगर किसी का मैं कहना मिस कर देती हूँ कि रेगुलर व्यूवर नहीं है, तो आप प्लीज़ जो है माइंड ना करें। आप सब हमें पता है हमें बहुत प्यार करते हैं, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और हर रोज़ खुदा जानता है हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं और आपके लिए दुआ करते रहते हैं। आरिफ रफीक एवेंजलिस्ट हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लाहौर के, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आरिफ भाई, खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। और जमाइमा हमें हमारे साथ है, गुड इवनिंग लिख रही हैं, गॉड ब्लेस यू मेरी बहन। आज हम शेयर करने को है नेगेटिव थॉट्स के बारे में, और अगर आपको पता है कि आपकी किसी बहन को भाई को इन नेगेटिव थॉट्स का जो है वो सामना करना पड़ रहा है,
है जो कि उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा ख़राब करती जा रही हैं, तो ज़रूर आज उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को ताकि उनकी ज़िंदगी में बहाली है। और मेरे अल्फाज जो हैं वो काफ़ी नहीं है, पास्टर जिब्रान के अल्फाज काफ़ी नहीं है, हमारे अल्फाज काफ़ी नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम जो है वो आपको शिफा देगा। कलाम में लिखा है खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई देता है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इमरान अंजुम है हमारे साथ, शहजाद मसीह हैं, उन्होंने लिखा है खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरे साथ मेरे प्यारे हस्बैंड पास्टर जिब्रान अनायत आपके आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं मिलकर आपसे बात करें, वो भी आपको सलाम कहना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पाक नाम में आप पर खुदावंद की सलामती हो। मैं और गीता हम दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली काम करे और हम ईमान रखते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ करते हैं क्योंकि हम सब मसीह का बदन है और एक हैं, खुदावंद में एक हैं। सबको खुशामदेद। मेरा ईमान है कि आज का कलाम के वसीला से जो आज खुदा ने कलाम दिया है गीता को और ये थॉट्स के मुतल्लिक है, नेगेटिव थॉट्स के मुतल्लिक है, खुदावंद जो है आज के कलाम के वसीला से बरकत देगा। हम खुदा के कलाम को शेयर कर रहे हैं लेकिन आप भी खुदा के कलाम को शेयर करें। बताएं कि आपने कितने ग्रुप्स में आज शेयर कर दिया है, कितने लोगों को बता दिया है, क्योंकि आज मेरा ईमान है कि ये कलाम आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए कलाम है। डू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड एंड देन वी विल Have a wonderful time from the word. आज हम अपनी जिंदगी से experience शेयर करेंगे, गीता अपनी जिंदगी से, आप भी लिखिएगा अपने experiences को और कहां से watch करें बताइएगा, क्योंकि हम दोनों drive भी कर रहे हैं, मैं drive कर रहा हूँ, गीता नहीं drive कर रही, लेकिन हम ठहर कर हम आपसे बातचीत भी करेंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे। पिछले प्रोग्राम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया, बताया कि जो है वो आपने बरकत पाई है और आज भी हमारा ईमान है कि जिस तरह हम दोनों इकट्ठे हैं इधर, खुदावंद अपने जलाली कामों को करेगा। डू शेयर दिस वीडियो, वेलकम कहते हैं आपको खुरम और किरण रवि, आपको खुशामदीद कहते हैं भाई स्टीफन, आपको खुशामदीद कहते हैं नोएल गैब्रियल, आपको खुशामदीद कहते हैं संगीता, एवरीवन हु इज वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, रजा आपको खुशामदीद कहते हैं, यू आर आवर फेसबुक फैमिली। क्योंकि अब जो है हम कोरोना रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मिल तो नहीं पा रहे लेकिन हम आपके लिए एक और भी सरप्राइज लेकर जल्द आ रहे हैं और दैट विल अभी ओपन कर दें कि नहीं, अभी थोड़ी देर वेट करें, बिल्कुल हमारे साथ रहें और एंड में जिब्रान हम ये सरप्राइज जो है ओपन होगा आपके लिए कि क्या आपके लिए नई खुशखबरी है, एंड तक स्टे करेगा उसको सरप्राइज, उसको ये सरप्राइज मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। विजय हमें वॉच कर रहे हैं, आरिफ फीक हमारे साथ है, डू शेयर दिस वीडियो ताकि खुदा का कलाम फैले, आमीन। मैं ड्राइव करने लगा हूँ इसलिए मैंने रोक के गाड़ी बात की है, मैं अब ड्राइव करूंगा और थोड़ा सा हम ड्राइव करेंगे और साथ गीता आपके साथ बात करेगी। क्या आजकल खुदा ने ये जो टेक्नोलॉजी है ये खुदा के लिए इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी को कि हम ड्राइव भी करें लेकिन साथ साथ लाइव प्रोग्राम चल रहा है और आप हमारे साथ 30, 40, 50 जितने लोग वॉच करते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल और बरकत होने वाला है आज का कलाम। सो ठहरे नहीं, कहीं ना जाएगा, हम इधर उधर ना चले जाए, हूं इतने ठहर के कलाम सुनो खुदा दा और आज का कलाम बरकत लेके आएगा। तो मैं पंजाबी च इस तो बोलना क्योंकि बहुत सारे लोग पंजाबी च समझते हैं। कल असि एक खानदान दे विच सां ते ओ सिस्टर सानू कह रही थी कि भाई जिब्रान मैं पंजाबी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं कहा जी मेरी तो मादरी जुबान है पंजाबी, तो मैं पंजाबी च गल करूं, पंजाबी स्पेशलिस्ट नहीं हां मैं, लेकिन चूंकि ये साडी मदर टंग है तो असीं पंजाबी च गलबात करने आ क्योंकि ये सादा जुबान है, सारे समझ सकते हैं। खुदा मतन बहुत बरकत है, गॉड ब्लेस यू जी। मैं ड्राइव करांगा जी जिब्रान, तो तुसी जेड़ा गलबात कर, मुझे बहुत अच्छी लगती है जब पंजाबी, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रीच वगैरह करना, दुआ करना पंजाबी में, लेकिन उम्मीद है कि आप सबको जिब्रान की पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और हम और सुनेंगे इनसे, बात करेंगे जिब्रान से। अभी जब वो ड्राइव कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ वो कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें ड्राइव पर, और हम एक जगह जो है जाने को है आज और आपको भी साथ उधर लेकर जा रहे हैं और वहां पे बैठ के हम गुफ्तगू करेंगे और खुदा का कलाम जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आप जरूर बताएं अपने ख्यालात जो है कि आपको किस तरह की स्ट्रगल्स आ रही हैं नेगेटिव ख्यालात के लिहाज से। आज जब मैं दुआ कर रही थी इस प्रोग्राम के लिए तो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया और बहुत सारी बहनें जो हैं, जैसे कि आज आपको पता है हमने व्हाट्सएप जो है नंबर दे दिया है अपना, स्क्रीन पर जो है आपको मौजूद होगा, और जिनको नहीं पता उनको उनके लिए लिख लें 0046 073 669 6728
9-6-7-2-8। बहुत सारी बहनें हैं जो हमें रिस्पांस कर रही हैं, मैसेजेस कर रही हैं, ऑडियो मैसेज सेंड कर रही हैं, और जो है मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ, मुझसे बात हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी को शेयर कर रही हैं, अपनी सिचुएशन को शेयर कर रही हैं, और खुदा के कलाम के लिहाज से जो जैसे खुदा का पाक रू मुझे गाइड करता है, मैं चाहती हूँ उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना किसी भी तरह से। अगर मैं उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बीज बो सकती हूँ जो कि कलाम का बीज है, वो मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है। खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में अगर बोया जाए, उनकी जिंदगी में रिहाई आए और वो शैतान के बंधनों से आजाद हो, दैट्स अ बिग जॉय फॉर मी एंड आल्सो फॉर द लॉर्ड। और यही हमारा पर्पस है, यही हमारा काम है कि हम लोगों की जिंदगी में खुशियों को बोए, खुशियां आए जिंदगी में। जैसे कि पौलुस रसूल कहते हैं, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। आज हम बांटेंगे बहुत खूबसूरत कलाम के हिस्से में से यूहन्ना, और उसका 11वां बाब है। आपके पास कलाम मुकद्दस है, आप जरूर मिलकर निकाल सकते हैं। यूहन्ना 11 बाब है, और उसके जो हम स्टोरी है आज, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे हमारी जिंदगी में जब आती हैं, एम्बुलेंस है गुजर रही, तो शायद उसका साउंड आपको आ रहा हो। नेगेटिव थॉट्स जो है जब हमारी जिंदगी में आते हैं, तो हम उसी में जो है कश्मकश का शिकार होते रहते हैं। वही जो है वो हमारे जहन में बार बार आती रहती हैं कि ये जो है ऐसा क्यों किसी ने कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में, शायद ऐसा ही होता रहना है, शायद वो अगर हावन बीवी हैं तो हम एक दूसरे पे कई दफ़ा ट्रस्ट नहीं करते, और हम ये सोचते हैं कि मेरा हावन जो है वो क्यों ऐसे कर रहा है, मेरी बीवी जो है वो क्यों जो है वो ऐसे कर रही है। तो हम जो है नेगेटिव थॉट्स जो है जब आ जाती हैं और वो हम उसी पे सोचते रहते हैं, तो हमारी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा जो है वो डाउन चली जाती है। हमारी जिंदगी जो है वो हम सोचना शुरू कर देते हैं, एक ही चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में डिप्रेशन की सूरत जो है वो अख्तियार कर लेती है। लेकिन खुदावंद नहीं चाहता कि हम जो है डिप्रेशन का शिकार हों, खुदावंद नहीं चाहता कि हम बीमारियों का, कमजोरियों का शिकार हों। खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आए दुनिया में ताकि हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। और ये जो हम जिंदगी यहाँ पर रहकर गुजार रहे हैं, जिस दुनिया में रहकर गुजार रहे हैं, इसको हम खुशी से गुजारे, हुर्मी से गुजारे, ना कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को सोचते रहें जो कि हमारे जहन को, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं। तो जरूर शेयर करें इस वीडियो को। मुझे मालूम है कि आज का ये कलाम जो है ये हम सब के लिए बहुत ही बायस बरकत होने को है। जैसे मेरी जिंदगी में ये बहुत ही बायस बरकत हुआ, मेरे खानदान की जिंदगी में ये बायस बरकत हुआ, मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीले से हम सबको बहुत बरकत मिलेगी। और आज हम जस्ट शेयर करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आज कोई टीचिंग नहीं है, हम अपनी जिंदगी में से आज शेयर करेंगे कि कैसे जो है हम खुदा के कलाम में और ज्यादा बढ़ सकते हैं और हमारी जिंदगी से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिल सकता है। मैं पास्टर जिब्रान को भी देना चाहती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जी, अभी हम जो है एक जगह पर स्टॉप किया है हमने, और साथ साथ बात भी होगी, कलाम की बातें होंगी, साथ साथ बहुत खूबसूरत आपको व्यूज भी दिखाएंगे, और इन सारे जो व्यूज हैं दिखा रहे हैं, सारी बातें कर रही हैं, ये सिर्फ खुदावंद का फजल है, खुदावंद का रहम है, खुदावंद का तर्स है, और उसके बगैर हम कुछ नहीं है। कलाम में लिखा है कि हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, किससे, यीशु से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। सो खुदावंद ही हमारी पनाह है, खुदावंद ही हमारा सब कुछ है, और हमारा ज़िंदगी का मकसद, मेरा और गीते की जो ज़िंदगी का मकसद है वो यही है कि सिर्फ हमने खुदावंद को सर्व करना है। बहुत सारे लोगों ने हमें बड़ी चीज़ें कहीं कि जो है वो आपको बिजनेस शुरू कर दें, आप बाहर रहते हैं, लोग कहते हैं आप इतने पैसे लें हमसे और आप जो है वो हमें बाहर ले जाएँ, कुछ ऐसे करें। लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। एक, हमारी जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान लेते हैं, और दूसरी बात ये है कि जब हम उस मकसद को पूरा करना शुरू कर देते हैं। दो बातें बहुत खास होती हैं ज़िंदगी में, और वो पहली बात ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी का मकसद जान लेते हैं, क्योंकि कई दफ़ा तो लोग ज़िंदगी ऐसे ही गीता गुजारते रहते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता नहीं होता, उनको दे डोंट नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन जिस दिन उनको पता चल जाता है, सेकेंड स्टेप ये है कि वो उस ज़िंदगी के पर्पस को पूरा करना शुरू कर दे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सोचते हैं, क्या आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है? मेरी जिंदगी का जो पर्पस है, जब मैं अभी छोटा ही था तो मेरे अंदर एक मुझे मेरे अंदर जो एक शौक था, मेरे अंदर जो शौक था जब मैंने तौबा कर ली, मेरे अंदर शौक था
कि मैं ये एडिटिंग का काम सीख सकूं और मैं ये जो चैनल्स का काम है कर सकूं। टेक्निकल भी मेरे शौक था जी, बिल्कुल। और मुझे ये शौक था, मैं वर्शिप को लीड करता था, क्वायर को लीड करता था, तो ये मेरा एक शौक था कि मैं कर सकूं। और उस वक्त में फैसलाबाद में जब हम रहते थे तो उस वक्त में कोई भी जो है चैनल नहीं था और मेरे लिए सीखना भी बहुत मुश्किल था। तो मैंने कोई 18-18 घंटे जो है वो 18-18 घंटे जो है वो मैंने काम किया है। और बड़े, क्योंकि मेरा शौक था वो। जब आपके अंदर वो शौक होता है, वो शौक जो है वो उसने आज भी मुझे वो चीजें जो मैंने सीखी थी, तो ये मेरा एक पैशन था, मैं उस मकसद को समझ गया। लेकिन साथ साथ एक मकसद मेरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रूहों की निजात का काम, ये सब जानते हैं, मेरी बीवी जानती है, मैं जानता हूँ। फिर उसके बाद जब हमारे गॉस्पल कैंपेन्स मैंने अपने वालिद साहब के साथ शुरू किए तो वो सबसे बड़ी एक जॉय थी, बड़ी जॉय थी। उसमें बहुत सारा काम होता था, हमें बहुत काम करना पड़ता था कन्वेंशंस में, हमें बहुत काम करना पड़ता था, बड़े मेहनत से काम करना पड़ता था। लेकिन फ्रूट उसका ये होता था कि हमने उन रूहों की निजात को हमने देखा, लोगों ने तौबा की, और आज भी 15 साल के बाद भी हम उस फ्रूट को देखते हैं। मुझे एक गवाही मिली, एक भाई ने हमें कॉल करके बताया कि मैं उस कन्वेंशन में शराब पी कर आया था और अब वो खादम है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अब वो वर्शिपर है और वो पास्टर है, तो उसके बच्चे आगे सारी खिदमत करते हैं, वो उसका फल था। तो रूहों की रजा जो है ये पैशन है, ये मेरा एक पैशन है जो मैं समझता हूँ, जिसके लिए कॉस्ट भी हमें अदा करनी पड़ती है, हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन दैट इज हॉट इज। और जब एक रास्ता आप चुन लेते हैं ना, तो वो रास्ता आपको फिर उस पर ही चलना है, फिर उसको को और रास्ता लेना नहीं है। और जब तक वो परस्पर हम करते रहेंगे, वो मकसद अपनी पूरी जिंदगी में मैं करता रहूंगा, तो ये मेरा जिंदगी का मकसद है। और आपका जो जिंदगी का मकसद है आप भी शेयर करें, और जिस तरह मैं जरूर बांटूंगी, लेकिन साथ साथ आप भी जरूर बताएं आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है, आपको क्या लग रहा है, जरूर लिखें नीचे, और हमें खुशी होगी ये जानकर। और हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे, जो आपका मकसद है जिंदगी का उसके लिए हम और ज्यादा दुआ करेंगे कि खुदावंद उसको फुलफिल करे आपकी जिंदगी में, वो अकम्प्लिश हो आपकी जिंदगी में और आप बहुत सारा फल लेकर आए। जिब्रान, मेरी जिंदगी में मैं सोचती हूँ कि जब मसीह को कबूल करने के बाद जो मेरी हकीकी जिंदगी, मुझे पहले तो पता ही नहीं था, जैसे आप कह रहे हैं पहले कि पता नहीं होता कि क्या मकसद है हमारी जिंदगी का, तो मुझे भी ऐसे नहीं पता था। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु को मैंने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, उसके बाद मुझे पता चलना शुरू हुआ कि मेरा मकसद जो है वो क्या है जिंदगी का। मुझे यही लगता था कि नहीं, मेरा जो मकसद है वो खुदा मुझसे ये चाहता है कि मैं रूहों को बचाऊं और ज्यादा, जैसे कि पास्टर जिब्रान ने कहा कि हमारे जो खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है, क्योंकि सिर्फ उसकी मोहब्बत में, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं और ये कहते हैं कि खुदावंद मैं तुझे सरेंडर करता हूँ, खुदावंद मैं तुझे सरेंडर करती हूँ, अपना आप देती हूँ, तो हम जो है उसके हुक्मों पर फिर अमल भी करते हैं। और खुदावंद ने हमें इरशाद आज़म जो दिया है, वो जो ग्रेट कमांड है हमें खुदावंद ने दी है, ग्रेट कमीशन जो है वो हमें दिया है आसमान पर जाने से पहले, वो यही दिया है खुदावंद ने कि तुम तमाम कौमों में जाकर अंजील की बिशारत करो और उनको बाप और बेटे और मुकद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये हमने जो है खुदावंद के कलाम में से सीखा है कि हम बिशारत का काम अदा करें, खुदावंद ने हमें इसका हुक्म दिया है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है, खुदावंद ने कहा जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। तो हमने रूहों को बचाना है, खुशी को बखेरना है, बांटना है, रूहों को बचाना है, उनकी ज़िंदगी में करवाहट नहीं बोनी। जैसे बहुत सारे लोग अगर किसी की ज़िंदगी में करवाहट को बोते हैं तो नेगेटिविटी उनकी ज़िंदगी में आ जाती है और वो नेगेटिव जो है वो सोचना शुरू हो जाते हैं। हमें अपनी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम क्या किसी को कह रहे हैं, क्या किसी की ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें तो नहीं हम बोल रहे जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में जो है खुशी जो है वो जाती जा रही है और वो बीमारी का, कमजोरी का, डिप्रेशन का जो है वो शिकार हो रहे हैं। जिब्रान कहाँ बैठे हैं हम? कोई जगह आप ढूंढे। और बहुत बहुत खुशामदेद मोनिका, जॉनथन वॉच करी है, और आमिर भाई हमारे साथ हैं, शान प्रिंस हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और जो है वो हमें बताएं कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये लाइव जो है वो नॉर्वे से हम आपके लिए इस हर वेनसडे को गीता जो है वो लेकर आती हैं। आज हम तो बात कर रहे हैं कि उन थॉट्स से, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे हमें किस तरह
जो है वो बाहर निकलना है। एक और भी उधर जगह है, जरूर हम उधर भी जा सकते हैं। लेट्स हम वॉक करते करते आपसे बातचीत करते रहेंगे। गीता ने जिस तरह पहले स्टार्ट किया था, बात की थी, और वो बात ये थी, अगर आपको ऑडियो ठीक आ रही है तो ज़रूर ऑडियो भी लिखिए। प्रेज गॉड एक आईडी है, उन्होंने लिखा है प्रेज गॉड बाय ब्लेसिंग लिख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ वॉक, और आप घर में हैं, वॉक तो नहीं आप कर सकते, लेकिन वैसे वॉक अच्छी होती है, ज़रूर वॉक किया करें, और जो है ताकि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बात वापस आएंगे नेगेटिव थॉट्स की। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, जब हम यूहन्ना 11 बाब है उसमें एक स्टोरी को पढ़ते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जो है वो जिंदा किया है, और जब उसकी डेथ हुई है लाजर की, तो उसकी बहनों ने जो है पैगाम भिजवाया है खुदावंद यीशु मसीह को कि जिसको तू प्यार करता था उसकी डेथ हो गई है, यानी कि लाजर जो है वो मर गया है। और खुदावंद यीशु, यानी कि पहले तो उन्होंने कहा कि उसकी तो तबीयत खराब है, तो खुदावंद ने कहा कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले, ये इसीलिए हुआ। तो फिर बाद में जब हम देखते हैं आगे स्टोरी में चल कर, खुदावंद ने कहा अपने शागिर्दों से कि आओ हम अपने दोस्त के पास चलें, लाजर के पास, क्योंकि वो सो गया है। और खुदावंद ने कहा, उन शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद अगर सो गया है तो बच जाएगा। खुदावंद ने कहा कि नहीं, इनको ऐसे समझ नहीं लग रही। अगर मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ तो खुदावंद ने फिर डायरेक्टली उनको कह दिया कि नहीं, हमारा दोस्त लाजर जो है वो मर गया है। तो खुदावंद ने उनको ऐसे ही कहा कि आए हम चलें, ताकि वो जो सो गया है वो उठ जाए, उसको जगाने के लिए चले हम। तो जो वो इतनी ज़्यादा खुदावंद के साथ रह रहे थे, वो अनॉइंटिंग के अंडर थे, उस वक्त भी वो अनॉइंटिंग अंडर थे, लेकिन फिर भी जो है उनमें ईमान उस तरह का नहीं था, उस तरह का उनमें ईमान नहीं था। तो हम देखते हैं कि जो तूमा है, तूमा ने कहा कि आओ अपने शागिर्दों को, उसने शागिर्दों के साथ जो है उसने गुफ्तगू की, उससे बात की, और शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें और मरें, हम भी उसके साथ जाके मरें, जैसा कि लाजर जो है वो मर गया है, आओ हम भी चलें और मरें। तो ये एक तरह के उसने जो है नेगेटिव एक्सप्रेशंस जो है वो उसने शो किए, उसके मुंह से अल्फाज ऐसे निकले जो कि हमें नेगेटिव लगते हैं। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैंने सोचा कि हाँ, कुछ जो है शागिर्द जो है वो सोचते होंगे कि ये खुदावंद ने क्या बात की कि उसको जगाने चले, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ऐसा मौजा नहीं देखा था कि कोई मुर्दा जो है वो जिंदा हुआ है। उनके वो शायद एक्सपीरियंस करना चाहते थे, कुछ नया, कुछ नई चीज जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, लेकिन तोमा जो है उसने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही आज हमारी जिंदगी में भी होता है, कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव चीजों पर ध्यान करते हैं कि कुछ अच्छा ये नया कुछ होने को है, खुदावंद जो है वो ये ऐसी बात कह रहे हैं, जब खुदावंद हमसे कलाम करता है, जब हमारी जिंदगी में खुदावंद कलाम करता है कि ऐसे ऐसे आप करें, और कुछ लोग जो है वो उसको पॉजिटिव लेते हैं और कुछ लोग उसी कलाम को जो है वो नेगेटिव लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये कैसे होगा, खुदावंद ने मुझे कहा है कि हम जाएं जैसे किसी भी मुल्क में, इंडिया में जाएं और वहां जाके हम प्रीच करें, ये कैसे हो सकता है, मैं तो इस मुल्क में रहता हूं और मुझे तो इंडिया पसंद नहीं है या कोई और मुल्क पसंद नहीं है, मैं कैसे जाकर जो है वो वहां पे मैं करूंगा। और वो इसी तरह उनकी जहन में जो है नेगेटिव थॉट्स जो है वो चलती रहती हैं, लेकिन उसी तरह अगर कोई पॉजिटिव उसको लेना चाहे और उसको सोचे कि हाँ खुदावंद ने कहा है और इसका मतलब ये ठीक है, और जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो खुदावंद मुझे रास्ता भी दिखाएगा, खुदावंद मुझे सब कुछ मुहैया भी करेगा, खुदावंद अगर वहां की मुझे जुबान नहीं आती, खुदावंद मुझे वहां की जुबान भी सिखाएगा। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में जिब्रान बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप शेयर करना चाहेंगे? मैं आजकल आजकल जो जैसे आपने ना गाड़ी में जो है वो कहा था कि जो सिचुएशन अभी चल रही है, तो जो अभी सिचुएशन चल रही है मैं ऑनेस्टी के साथ आपको बताना चाहता हूँ। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और उस्मान मसीह वॉच कर रहे हैं, शान प्रिंस हैं, रुखसाना है हमारे साथ, ऑल फेसबुक फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल, पास्टर जिब्रान नायत, गीता जिब्रान जो है वो आपके साथ हम शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दिनों में क्या हो रहा है। कई दफ़ा जब मैं फेसबुक पर देखता हूँ लोगों को, खिदमत गुजार लोगों को, काम कर रहे हैं, कुछ हमारे जो इधर के भी दोस्त हैं जो नॉर्वेजियंस हैं या स्वीडिश हैं, तो वो जब रिपोर्ट्स को जो पाकिस्तान से आती हैं वो जब उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या ये रिपोर्ट ठीक है या नहीं है, क्योंकि कई दफा कुछ मिनिस्ट्रीज, कुछ चर्चेज ऐसी रिपोर्ट्स देते हैं जो इधर आती हैं। तो पिछले दिनों में क्या हुआ कि मैं जब उन रिपोर्ट्स को देख रहा था मैं फ्रस्ट्रेट हो गया।
जब मैं उन बातों को सुन रहा था कि जो लोग पाकिस्तान में चैनल्स और मिनिस्ट्रीज जो रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं खुश करने के लिए लोगों को, उससे मेरा थॉट्स नेगेटिव हुए. मैंने उस बात को सोचा, मैंने कहा कि यार ये तो जो है वो क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि ये तो इंसान को खुश करना चाह रहे हैं. तो मेरे थॉट्स जो है ना वो मैं डिस्टर्ब हुआ इस बात से. मैं इस बात से डिस्टर्ब हुआ, कलाम में तो लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. अगर पादरी खुद जो है वो सच्चाई नहीं बयान करेगा और वो जो है वो किसी मिनिस्ट्री को, किसी शख्स को, किसी गोरे को, किसी काले को, किसी लीडर को खुश करने के लिए नंबरबाजी कर रहा है, तो नंबरबाजी जो है वो एक दफा बाइबल में भी. नंबरबाजी से क्या मुराद जबरान, जो आम लोग देख रहे हैं जो मिनिस्ट्री में नहीं है? नंबरबाजी से ये मुराद है कि झूठ की नंबर बताए जा रहे हैं, झूठ लोग बोलते हैं, ये क्लियर बात है. झूठ पर मबनी जो है वो बातें हो रही है. उधर बंदे उधर 50 होंगे ने तो ही कह देना 500 बंदे सी, उत्थे 10,000 लोग होंगे, तो कहना 1,000,000 लोग सन उत्थे. तो झूठ मैं समझता हूँ वो, अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो मुझे भी आप बताएं कि भाई जबरान, सिस्टर गीता, आप झूठ की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई जो है वो सब कुछ है. यीशु सच्चाई है, उसका कलाम सच्चाई है. दाऊद के बारे में मैं जब नंबर्स की बात सोचता हूँ, मेरे प्रॉब्लम नहीं है नंबर्स बयान करना, लेकिन राइट नंबर्स हो, राइट तौर पर बात हो. आज जरा अगर कोई कन्वेंशन पर या किसी इबादत पर जो है वो लग 15,000 रहे ने, तो दसन डे मैं 50,000 रुपया लाता है, मैंने लाता है, तो उसमें जो है वो सच्चाई नहीं है, सदाकत नहीं है. आप सदाकत से काम करें, रास्ती नहीं है. और अब वो वक्त आने वाला है जब खुदा कमिटेड लोगों को देख रहा है. गलतियां सब करते हैं, सब ने, कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन उस गुनाह में, उस गलती में फंसे ना रहे, उसमें जकड़े ना रहे, आप पोजेस ना हो जाएं, उससे निकल आए, उससे बाहर निकल आए, उससे कहे नहीं खुदा मैंने नहीं ये काम करना. और मैं आपको बताऊं कि सच्चाई जो है ना वो आपको लेकर आएगी. फिर क्या हुआ कि यही बात, एक खादम थे अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तानी खादम, नाम नहीं उनका लूंगा. हाँ मैं नेगेटिव सोच रहा था. उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस खादम से बात की, मैंने कहा पादरी साहब आजकल की चलन डे, हर पास जो अपने अपने मेरे इन्ने नंबर, मेरे अंज करता, मैं उंज करता, मैं ये मैं वो, और ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वो बहुत सारी चीजों में एक्सेलरेशन जो है वो हो रही है, खिंचाव हो रहा है, बड़ा चढ़ा कर जो है बताया जा, हाय मेरे इन नंबर, मेरे इन्ने लोग निजात पांडे, मैंने लोगों को बपतिस्मा दे दिया, मैं इंज करन दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है. ये तो खिदमत में आप अपनी अपने सिनेरियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह आप अपने सिनेरियो में देख रहे हैं जहां पर जो है वो सच्चाई नहीं है. तो जब मैं नेगेटिव था, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे एक बात कही. उन्होंने कहा जबरान भाई, जब आप छोटे थे तो आप जो है वो वहां से दूध लेना चाहते थे जहां से खालस दूध हो. उन्होंने कहा वहां पर लंबी लाइन लगी होती है जिथे खालस दूध होए, तो जिथे मिलावट वाल दुध होए ना उथे हो सकता है एक वक्त लंबी लाइन लग जाए. लोग कहना सस्ता दुध मिलन दिया है, सस्ता दुध मिलन दिया है, तो उथे जा को ले ला. लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद पता लग जाएगा जिथे पानी की मिलावट है, जिथे पानी पिया आवे तो टेस्ट का पता लग जाएगा. तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलावट की खिदमत नहीं करनी, उनका दुध जड़ा ना वो. और अगर वो मुझे खादम देख रहे हैं तो मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ. उन्होंने मुझे ये कहा मिलावट की खिदमत नहीं करनी, करप्शन की खिदमत नहीं करनी, झूठ की खिदमत नहीं करनी. और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, नाम बनाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री को बड़ा करने के लिए, अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए, बताने के लिए नंबर्स इतने मेरे, इतने मेरे, इतने. और उन्होंने जब कहा तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हो गया. मैं कहा बस खालस दुध रखना में, तो यही साडा, मेरा तो कीता असी, और असी अपनी टीम नु यह कह रहे खालस, मैं छोड़ता, मैं छड़ता उन्होंने बोले सोचना. मैं कहा कि मैं सोचना ही नहीं है, खुदा उन्होंने बरकत दे, खुदा उन्होंने नाल हो, जिहड़ा जिन्ने जो बोना वो कटना है, जिन्हें खादिया गाजरा मूलिया ढेडो ना दे पीड़ जो कुछ करना, जो पास जबरान ने भैड़ा बोलना है या भैड़ा करना है तो फिर उही मैं बोना है ना. और जो अज मैं बोल रहा वा, जो अज साडे लिए जिन्हें बोया ना, साडे मां बाप ने, साडे दादा ने, उन्हें बोया साडे लिए अच्छा, तो अज असी कट्टन डे, तो जो असी अज बोना है ना असी अपनी नस्लां लिए करन डे. जे झूठ नू बोलन डे तो फिर झूठ ही कट्टांगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं पापा तो झूठ बोलता है, मामा तो झूठ बोल के खिदमत कर दी, अभी दूसरे कहने कलाम सच की तलीम दो, सच की तलीम. वो कह पापा तो आप ही झूठ बोलता रहता, मामा तो आप ही झूठ दी करती खिदमत, कुछ होर गल करती है. तो आपके बच्चे आपको देखेंगे कि माँ प्यो साडे सच बोलन डे या झूठ ते गल कर रहे. आगे चलिए थोड़ा जा, क्योंकि आई थिंक जैसे कलाम के मुताबिक है कि
बरकत भी नस्ल दर नस्ल चलती है और लानत भी नस्ल दर नस्ल चलती है. That's right. जैसे हम आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी नस्ल पे आएगा, वो हमारी आगे पुश्त पर आएगा. That's right. और वो हम ये ना समझे कि हम जो है इससे कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे झूठ बोलकर या नेगेटिव बात ऐसे दूसरों को बताकर जो है झूठ बोलकर जो है हम बहुत पैसा कमा लेंगे. लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कलाम के असूल हैं, ये जो है ये पहले से ये होता रहा है और यहाँ जो हम काम कर रहे हैं यहाँ की सजा हमें यहाँ पे ही मिल जानी है. हाँ जी, हाँ जी. बैक टू हमारा हम टॉपिक आते हैं कि जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम कैसे जो है अपने जहन से जो है वो निकाल सकते हैं. अभी हमने सीखा है इस स्टोरी से, इस सारी सिचुएशन से जो पास्टर जिब्रान ने बताई है अभी, कि कैसे जो है मैं अपनी नेगेटिव थॉट्स से जो है वो बाहर आया. किसी से जब आप नेगेटिव थॉट्स जो है वो सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरे जहन में घूमती जा रही हैं बातें और मुझे तंग कर रही हैं, उससे क्या होगा, आप खुदा की हजूरी से जो है वो बाहर निकल जाएंगे. आप जो है खुदा के कलाम को जो है वो पढ़ नहीं सकेंगे. That's right. लेकिन एक्चुअली वही टाइम होता है खुदा के कलाम को पढ़ने का. आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ अभी, मैं तो बहुत मेरे दिमाग में जहन में सोचे जो है वो चल रही हैं, तो कैसे जो है मैं अभी खुदा का कलाम पढ़ सकता हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे बहुत सारी सोचें हैं जो मेरे जहन में चल रही हैं, मैं उन पर जो है गौर फिक्र कर रहा हूँ. और लेकिन एक्चुअली वही टाइम होता है जो खुदा के कलाम को पढ़ने का टाइम होता है और उसी से जो है खुदा आपको बरकत देता है, खुदा आपको तसल्ली देता है, खुदा आपको रिहाई देता है. जिब्रान साथ साथ थोड़ा व्यू भी दिखा दें हमारे आज व्यूवर्स को. साथ साथ व्यूज दिखाते हैं. ये हमारे पीछे आज इधर पानी इतना ज्यादा नहीं है. हाँ. और जो है वो आज गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है. और ये इधर का व्यू है हमारे जो इधर पीछे है, ये हमारे इधर का व्यू है, ये हम आपको दिखाते रहे तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हम खुदा के कलाम को शेयर कर रहे हैं. जिस वीडियो में खुदा के कलाम को देखें उसको शेयर करें, किसी की भी वो वीडियो हो जिसमें खुदावंद आपको बरकत दे रहा है कलाम के वसीला से, जिसमें कलाम की बातें हो रही हैं उसको शेयर करें, क्योंकि आज खुदा के कलाम को बहुत सारे शेयर. क्यों दिखाते हैं ये जो सारे सीन है जब हम देखते हैं खुदावंद के कामों को, और कलाम में ये लिखा है कि उसकी कुदरत के कामों के बायस उसकी हम्द करो, इसीलिए जो है वो हम दिखाना चाहते हैं कि खुदावंद जो है वो कितना प्यारा है और उसकी जो कुदरत है उसने जो हम सब के लिए हम ताकि इसको इंजॉय कर सकें, हम अपनी सोचों में सोचते ना रहें, नेगेटिव थॉट्स को जो है वो सामने ना रखें, बल्कि पॉजिटिव सोचें, उन चीज़ों को देखें जो अच्छी हैं, जो प्यारी हैं, जो आपके लिए फ़ायदा मंद हैं. तो हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है हम नेगेटिव थॉट्स जो है उनसे जो है वो उनसे छुटकारा पा सकते हैं. तो पहला पॉइंट यही है, मिलकर हम सीखते हैं कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें. जब आपको जो है नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप उन पे सोचते जा रहे हैं कि उसने मुझसे ये बात कर दी, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, या उसने की है उसका क्या मतलब है, जो वो किसी भी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, सास बहू का जैसे है रिश्ता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स में हो जाती हैं, तो हम बहुएँ कई दफ़ा सोचती रहती हैं कि ये मेरी सास ने क्यों ऐसी बात कही. अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं आप ये सोच सकते हैं कि ये क्यों हमारे बॉस ने ऐसी बात कही, हमारे साथ जो है ऐसा क्यों सलूक किया, तो आप उन पे जो है वो सोचते रहते हैं, उस पे गौर फिक्र करते रहते हैं. लेकिन आज जिब्रान बैठ जाए, लेकिन खुदा का कलाम हमें जो आज सिखाना चाहता है कि हम जब ऐसी सोचों में सोच रहे हैं, खुदा चाहता है कि हम इससे आज़ाद हों. अब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा. खुदावन ये कलाम हमसे आज हमें सिखाना चाहता है कि हमने अब्लीस का मुकाबला करना है. हर मैंने अपनी ज़िंदगी में, पास्टर जिब्रान ने, हमने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि हर नेगेटिव जो थाट है वो शैतान की तरफ से है और हर पॉजिटिव जो चीज़ है वो खुदा की तरफ से है. खुदावन जो है वो हमें पॉजिटिव चीज़ें बताता है. खुदावंद हमें चाहता है कि हम पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव सोचों पे सोचते रहें, बुरे कामों को पे ना सोचें, वही बातें करें, वही बातें सोचें जो दूसरों के लिए बरकत का बायस है, हमारे अपने लिए बरकत का वसीला है. हम उन पे जो है गौर करें, सोचें, उन पे जो है मेडिटेट करते रहें और ख़ास तौर पर खुदा के कलाम पर जो है मेडिटेट करते रहें. कलाम में लिखा है शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे बल्कि तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे. हम देखते हैं यहूदा जो है अस्करयूती है, उसने भी जो है
है, उसने जब सोचा, उसने कहा कि खुदावंद ये जो है तेल जो है इसने अतर जो है वो गिराया है, इसने तेल जो है तेरे पाँव पर मला है, मरियम ने इतना जो कीमती तेल है ये बेचकर गरीबों को भी तो दिया जा सकता था। अब उसके जो है नेगेटिव थॉट के पीछे भी एक नेगेटिव पर्पस था, उस वो ये चाहता था कि ये जो पैसे हैं ये मेरे पास आते, क्योंकि उसके पास थैली रहती थी, वो एक तरह खजांची था उनका, जो बड़े ईमान से जो लोग हैं, बड़े वफादारी से लोग देते थे खुदावंद को खिदमत के लिए पैसे देते थे, ताकि वो खिदमत कर सके, जो उनके डोनर्स से वो देते थे, और वो चाहता था कि ये पैसा जो है वो मेरी तिजोरी में आए और खुदावंद यीशु मसीह पे ना जो है वो हो, उन पे इस्तेमाल ना हो, बल्कि मेरी तिजोरी में आए। और आज हम ये एग्जाम्पल भी दे रहे थे पास्टर जिब्रान, यही आज भी यही बहुत सारे खादम हैं वो सोचते हैं कि पैसा जो है खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल ना हो, बल्कि मेरी तिजोरी जो है वो भरती जाए, मेरी जो है जेब जो है वो भरती जाए। और खुदा जो है वो हम सब का एक दिन जो है वो इम्तिहान लेने को है, वो काम जो हमने इस ज़मीन में रहते हुए किए हैं खुदा जो है हमें उनका उनकी जजा देने को है, उनका हमारे कामों के मुताबिक हमें बदला मिलने को है। मकाशवा में लिखा है हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला मिलेगा, ये हमें सोच कर जो है सारे काम अपनी जिंदगी में करने चाहिए। तो जिब्रान कुछ आप शेयर करें। मैं करना चाहता हूँ शेयर बाइबल मुकदस में, आप सारपत की औरत बेवा के बारे में देखते हैं, उसका बेटा जो था और वो तो उन्होंने क्या सोचा, वो नेगेटिव थी, उसने कहा कि अब तो सिर्फ आखिरी हमारे पास जो है वो आटा है और जो है वो थोड़ा सा तेल है, तो अब क्या होगा कि इसका हम एक रोटी बनाएंगे और मर जाएंगे। उसके थॉट ये थे, उसके ख्याल ये थे। आज आप में से भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग सोचते हो कि अब जो है वो एंड है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता, अब मैं जो है बस खत्म है, मेरा खात्मा है, कुछ नहीं हो रहा। फिर आपको शैतान उभारता है कि गलत काम करें, फिर आपको उभारता है शैतान। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्दे खुदा आपसे जो है वो कलाम करेगा और आपके पास आएगा और खुदा आपकी जिंदगी में उनको भेजेगा ताकि आपकी जिंदगी में मिरेकल हो। और जो सारपत की औरत थी, बेवा थी, उसकी जिंदगी में कितना मिरेकल हुआ कि जब उसने वो पहला हिस्सा, जब क्योंकि फिर जो है वो अलीशा ने क्या कह दिया, उसने कहा कि जो कुछ तेरे पास है तो पहले मुझे ला कर दे, तो वो ये कह सकती थी लै कि मैं पादरी है, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਕੀ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਕੀ ਔਰ ਉਸ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਕਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਥਾ, ਉਸਕਾ ਥਾਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਚੇਂਜ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜਬ ਓਬੀਡੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੋ। ਔਰ ਆਜ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ, ਵੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, अपने दिमाग, अपना जहन है जिसके साथ हमारी जंग चल रही है। ए थॉट जेड़े ने ये बहुत पावरफुल ने। अगर थॉट जो आपको पता है कि टेररिस्ट ने जो है वो क्या किया, जब 9/11 का हुआ, इतने वो थॉट्स थे ना उनके पास, उन्होंने थॉट्स को इस्तेमाल किया, ते अपना किला टावर सी, अपना ट्विन टावर जो थे वो उनको उड़ा दिया, और जो थे मतलब अपने थॉट्स को इस्तेमाल किया। तो ये पावरफुल है, इनको इस्तेमाल करें खुदा के काम के लिए, नेगेटिव सोच के लिए नहीं। और को है वे मेरे को क्यों नहीं है, ओदी मिनिस्ट्री है मेरे को क्यों नहीं है, आ इंज कर रहे मैन, जो गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स गॉड हैज गिवन यू, टेक इट दैट, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह, और जो कुछ आपके अंदर है, और कंपेयर ना करें, कंपेयर ना करें यार वो इंज करन दिया तो मैं क्यों नहीं करन दिया, नहीं नहीं नहीं, आपकी मिनिस्ट्री अपनी है, मेरी मिनिस्ट्री अपनी है, गीता की मिनिस्ट्री अपनी है, हम सबका जो खिदमत का काम है मिनिस्ट्री, वो नहीं कह रहा जी अजकल नावा दी सर मिनिस्ट्री चल रही है, मिनिस्ट्री बना लिए, मैं मिनिस्ट्री बना लिए, मिनिस्ट्री की होंगे खिदमत, मिनिस्ट्री इंग्लिश में वो मिनिस्ट्री है और उर्दू में उसको हम खिदमत कहते हैं, खिदमत का काम यसू की खिदमत, एक्चुअली दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, this is the ministry of Jesus, nothing else, if we have a mission Asia channel, this is the mission from the Jesus. aaj pastor jibran geeta hai kal ko nahi hai, lekin काम तो चलता रहेगा। मूसा के बाद जशुआ आया और उसके बाद काम चलता रहा, तो इसी तरह खुदा का काम तो होता रहेगा, हमारी एक जिम्मेदारी है। तो अपना अपना काम ईमानदारी से करें, वफादारी से करें, और नेगेटिव थॉट्स को ना करें, क्योंकि वक्त कम है, वक्त ना जाया करो, ऐसे सोच दे रहो नेगेटिव थॉट ना, जिवें गीता ने कहा है कि उन्हें इंज कहता उन्हें इंज कहता, पुरानी चीजा छड़ दियो, कुछ कल मैंने कहा सी ना, जब भुल भी जाओ कि दफा मैंने एक पासवान ने इंज कहा कि मैंनू माफ कर दियो, मैं तुहाडे खिलाफ बड़ियां गल्लां कीतीआं, मैं कहा भलसा मैंनू तो याद भी कोई नहीं है कि तुसीं कदी गल्लां भी कीतीआं सी ने, तुसीं हुण मैनू याद करान डे हो कि तुसीं कीतीआं, ते मैनू तो याद भी कोई नहीं है, ते भुल जा करो उहनू, दो चीजा ने, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर तुसी फॉरगिव एंड फॉरगेट असी नहीं करते, तो असी अपने पिछे ना एक वड्डा फड़ो, जरा मैं ना जरा
कुछ करके फिर डेमोंस्ट्रेशन करके मामा जिब्रान अब एग्जांपल देने लगे हैं। बड़ा पत्थर जो है वो पकड़ लिया है जिब्रान ने। हां देखो जी एडा बड़ा पत्थर जड़ा ना ऐसी अपने मोढ़ियां दे पीछे इंज भार नु चुक लेने आ। ए पत्थर नु चुक ना भार चुकया हुंदा है जिहड़ी फॉरगिवनेस है ना ए पत्थर दी तरह वे कि जदों असीं फॉरगिव नहीं करदे फॉरगेट नहीं करदे अपने उत्ते ही भार पाया जे किसे नु भार नहीं इहदा अपने उत्ते भार पाया। सारे समझन डे ने कि मैं हुण उर्दू च करां या इंग्लिश च करां ते भार एडा वड्डा पत्थर है ते इह जदों असीं नैगेटिव थॉट ना इह पत्थर दी तरह नैगेटिव थॉट ते जे इह पत्थर जिहड़ा अगर इह खुदा दा कलाम होए ते फिर ते सानूं अपने अंदर लैणा चाहीदा है। लेकिन आ पत्थर जिहड़ा वे इह इंज जिवें नैगेटिव थॉट है इह थॉट्स ने एडा भारा पटरा असीं हो गया पत्थर ते असीं अपने पिछे चुकिया हुंदा भार चुकिया हुंदा असीं पूरी जिंदगी उहदे वल्ले सोचदे रहिंदे आ उहदे वल्ले गल करदे रहिंदे आ उहने इंज कहता उहने इंज कहता मैं नहीं उहनूं माफ करना मैं नहीं उहनूं छड्डना है मैं इह कोई फायदा नहीं इहनां चीज़ां दा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहूदा इस्करियोती ने जब ऐसे कहा तो उसका अंजाम जो है वो क्या हुआ, वो नेगेटिव थॉट्स उसको और कहाँ तक लेकर गई, इतना ज़्यादा वो जो है वो नेगेटिव थॉट्स उसको आगे तक ले गई, उसको बुराई के रास्ते पर और ले गई कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को चंद मिसकाल की खातिर खुदावंद को उसने बेच दिया और अपना ईमान बेचा। एक्चुअली तो उसने अपना ईमान बेचा, अपने मास्टर को अपने मालिक को जो है उसने बेच दिया कि मैं इतने पैसों की खातिर जो है, क्योंकि उसको जो है लग रहा था ईमान के अंदर रहते हुए अनॉइंटिंग के बीच में रहते हुए खुदा जो है खुदा का बेटा उस वक्त उसके साथ था, हमेशा उसके साथ था, रात दिन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सोते थे। आज हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे होता है, खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है, हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम शैतान की जो साथ है वो भी एक सीढ़ी जो है एक पांव हमारा शैतान के साथ चलता होता है, एक वॉक जो है हमारी उसके साथ हो रही होती है और एक जो है हमारी दुनियावी तौर पर जो है हम रिलीजियस तौर पर जो है कलाम को पढ़ते हैं सिर्फ जो है सिर्फ उसको करने के लिए कि हम कलाम को पढ़ रहे हैं। लेकिन उस पर चलना किसने है, उस पर चलना भी हमने है। कलाम में ये लिखा है कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। हमने सिर्फ उस पर जो है पढ़ के उसको साइड पे नहीं रख देना बल्कि उस पर अमल करना है, मेडिटेट करना है खुदा के कलाम पर कि खुदा के कलाम में तो ये लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो। ये सोचे जो मेरे जहन में आ रही हैं ये खुदा की तरफ से तो नहीं आ रही, ये यकीनन शैतान की चाल है, शैतान मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है। और जैसे जैसे आप खुदा में बढ़ते जाएंगे आप खुदा के कलाम में बढ़ेंगे शैतान आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपकी सोचों को डिस्टर्ब करेगा कि ये खुदा में ना बढ़ पाए, ये खुदा के कलाम को ना पढ़ने पाए। तो आज मैंने और आपने शैतान को शिकस्त देनी है, उसके को जो हमारे खिलाफ चलना चाहते हैं आज मैंने और आपने हमने मिलकर उसको शिकस्त देनी है। कलाम में लिखा है अब्लीस का मुकाबला करो, कैसे हमने मुकाबला करना है, रूह की तलवार के साथ। रूह की तलवार क्या है, खुदा का कलाम है जो हमारे अंदर है, जो खुदा हमारे पास है, खुदा का कलाम है वो हमारी रूह की तलवार है, उसके साथ हमने शरीर के जो जलते हुए तीर है उसका हमने मुकाबला करना है, प्रोटेक्ट रखना है अपने आप को अपने अपने बच्चों को अपने खानदान को। क्योंकि जैसा आज आप सोच रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चों पर भी पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट आपके खावन पर भी पड़ता है, आपका ख़ानदान बर्बाद हो जाता है सिर्फ सोचों की वजह से, सिर्फ ख्यालात की वजह से। हम शुरू में ही देखते हैं शैतान ने जो है नेगेटिव थॉट्स जो है वो ईवा के यानी कि हवा के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल दिए कि खुदा नहीं चाहता कि आप उसके जैसे बनो। और ईवा को हवा को तो ये मालूम होना चाहिए था कि हम तो पहले ही खुदा की शबी पर हैं, तो ये क्या बातें कर रहा है कि आप जो है खुदा की खुदा जैसे ना बन जाए, हम तो पहले ही खुदा की शबी पर हैं। उसने जो है मकारी की चाल चली और ट्विस्ट करके बातों को जो है हवा के जहन में डाल दिया ताकि ये जो है वो अकम्पलिश ना कर सके, पर्पस इनकी ज़िंदगी में पूरा ना हो सके जो खुदा का इनकी ज़िंदगी में है, जिस पर्पस के लिए खुदा ने इनको पैदा किया है वो पूरा ना हो सके। तो खुदावंद आज चाहता है कि हम इन जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे हम आज़ादी पाएँ, रिहाई पाएँ। अगर आपकी ज़िंदगी में फॉरगिवनेस की ज़रूरत है आज माफ़ करें, हर एक अपनी बहन को हर एक भाई को जिसने कुछ भी आपको कहा है उसको आप माफ करें। खुदा के कलाम में पढ़ते जाए, जिस वक्त आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा का कलाम आपको तसल्ली देगा, खुदा का कलाम तशबी देगा, खुदा का कलाम जो है आपको बताएगा बात करेगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा देखा है कि जैसे ही मेरे जहन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मैं दो मिनट जो है सुकून का सांस लेती हूँ और मैं कहती हूँ मैं सोचती हूँ कि ये
ये मेरे ज़हन में कैसे जो है ख्यालात आने शुरू हो गए, क्यों जो है मेरे ज़हन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, खुदा का कलाम हमें क्या ये कह रहा है, खुदा के कलाम में जाए। जैसे ही जो आपके ज़हन में थॉट्स आते हैं खुदा के कलाम से उसको मैच करें कि क्या ये कलाम जो है ये खुदा की तरफ से है, जो खुदा चाहता है मैं ऐसे ख्याल जो है वो सोचूं, ऐसी सोचें जो है वो सोचती रहूं, फिर मैं साथ ही जो हो काम डाउन होती हूं। मुझे कुछ टाइम लगता है, मैं सोचती हूं और मैं चाहती हूं आप भी ऐसे किया करें कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल जब हम हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे जहन में चलते रहते हैं, तो हम जो है बहुत ऐसे काम कई दफ़ा कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसीलिए काम डाउन हो, खुदा से दुआ करें, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। जो आज आपका आपके काम पेंडिंग है, जो आपकी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ चल रही हैं, रिश्ते में कन्फ्यूजन आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कह सकते हैं खुदावंद तू मेरे लिए सब कुछ करेगा। मैं अपने लिए क्यों परेशान होता हूँ, क्यों परेशान होती हूँ, क्योंकि तूने कलाम में कह दिया है कि कल की फ़िक्र ना करो। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा है कि तू सब कुछ मुहैया करेगा, अपने बच्चों को किसी नेमत का तू मुख्ताज नहीं होने देगा। बब्बर के बच्चे हाजतमंद भूखे होते हैं, लेकिन खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुख्ताज ना होंगे। हम जो है किसी नेमत के मुख्ताज ना होंगे। प्रोक्लेम करें खुदा के कलाम को, बोलें अपनी ज़िंदगी में, ऐ खुदावंद मैं ऐसे मैं तौबा करती हूँ, ऐ खुदावंद मैं अभी इसी वक्त माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ इन सारे ख्यालात के लिए, ऐ खुदावंद जो मेरे जहन में आते रहे, नेगेटिव थॉट्स आते रहे, ऐ खुदावंद मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे जहन में पॉजिटिव थॉट्स आए। ऐ खुदावंद तू मुझे पॉजिटिव थॉट्स से भर, ऐ खुदावंद तू मुझे मस्बत कर, मुझे पॉजिटिव कर ऐ खुदावंद, ताकि ये सारे ख्यालात जो नेगेटिव आ रहे हैं मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मेरे खामन को, मेरे बच्चों को, मेरे घराने को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये सारे थॉट जो है मेरी जिंदगी से जाते रहे। खुदा का कलाम आपको बचाएगा, प्रभु का वचन जो है वो आपको बचाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु का वचन जो है आपके खानदान को, आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली को बचाएगा, प्रभु का वचन बचाएगा, उसमें ताकत है। तो उसके कलाम को हमेशा पढ़ें जब आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और दूसरी बात जो है, दो ही पॉइंट हैं, पहला जो है खुदा के कलाम को उसी वक्त जो है खुदा के कलाम को पढ़ें, अपना अपने आंसू जो है खुदा के आगे बहाएं और खुदा आपको तसल्ली देगा। वो तसल्ली का सरचश्मा है, वो आपको तसल्ली देगा उसी वक्त। और आप देखिएगा, आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, जैसे ही आप खुदा की हुजूरी में कुछ वक्त को गुजारेंगे, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे, जैसे ही आप गुजारेंगे, साथ ही आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, आपका ईमान जो है अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपके जहन से अंदर से निकल जाएंगे। और यीशु का लहू मांगा करें, खुदावंद सुबह उठते ही मैं तेरा पाक खून अप्लाई करती हूँ अपनी सोचों पर, मेरे जहन में कोई ऐसी सोचे ना आए, ख्यालात ना आए जिससे मैं डिस्टर्ब हूँ, ऐ खुदावंद मैं तेरा पाक खून अप्लाई करती हूँ अपने आप पर, मुझे तमाम ऐसी सोचों से महफूज रख। तीन बातें अभी हमने कही हैं, पहली खुदा का कलाम पढ़ना उसी वक्त जब आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस सारी सिचुएशन को खुदावंद को दें, दुआ करें खुदावंद से। और दूसरी बात, फॉरगिव करें, अगर किसी ने आपका बुरा किया है, आपसे बुरा कहा है, कोई ऐसी बात कर दी है जो आपके जहन में जो है वो चलती जा रही है और वो आपको खुदा से दूर लेकर जा रही है, वो आपको आपके ख़ानदान को बर्बाद कर रही है, तो उसको फॉरगिव करें और उसको फॉरगेट करें। और तीसरी बात जो है, हम मिलकर देखते हैं खुदावंद का जो हमें कलाम हमें कहता है कि के हम खुदावंद यीशु का पाक लहू जो है अपने आप पर मांगें और ऐसी सारी सोचों को रिब्यूक करें और खुदावंद से कहें कि ऐ खुदावंद तू मुझे पॉजिटिव कर, आज सारा दिन ऐ खुदावंद तेरी पाक हजूरी में मेरी गुजरे, ये सारी सोचें मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं और ऐ खुदावंद तू मुझे इन सारी सोचों से बचा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये नेगेटिव थॉट्स जो है ये शैतान की तरफ से, शैतान नहीं चाहता मैं खुश रहूं, उस दिन जो है आपकी ज़िंदगी में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करें, जबरान हम मिलकर दुआ करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम आपके नामों को मैं पढ़ रहा था, आपकी दरख्वास्त खुद को देख रहा था और एक एक को, एवरी वन, भाई उस्मान और अनिका और भाई रेहान और जो है अनिका में वॉच करी है और हमारे साथ रिबा है, हमारे साथ जिशान है और बहन बुशरा है, एवरी वन, हमारी फेसबुक फैमिली, भाई सरफराज है और भाई आरिफ है, एवरी वन हु इज वॉचिंग, हम दुआ कर रहेंगे अभी और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी सेंड करें और ताकि हम मिलकर अभी दुआ करें सारी दरख्वास्त।
दरखास्तों के लिए। अभी मैं अर्गिता मिलकर दुआ करेंगे। शांद रबो सुखो रमान रबा राबान रबो सुखो रमान रबा आसमानी बाप यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आए बाप। अभी हम दुआ करते हैं, मैं अर्गिता मिलकर सारे ईमानदार और खुदावंद हम मिलकर दुआ करते हैं एक एक शख्स के लिए, एक एक बहन और भाई के लिए कि आज तौबा करें, इकरार करें। हम सब आए खुदावंद तेरी स्लीप के नीचे आ जाए, यीशु तेरे बहते हुए लहू के नीचे आता है और हमारे सोचों के ख्यालात थॉट्स को, हर एक बुरे ख्यालात को हम कैद कर यीशु के कदमों में लेकर आते हैं। हर एक बुरे ख्यालात को कैद कर यीशु के कदमों में लेकर आते हैं और उस ख्यालात को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो बुरी सोचे हैं, जो बुरे ख्याल हैं, जो गलत ख्याल है, बुरे हैं, और खुदावंद तू पाक कर सोचों को, तू पाक कर ख्यालों को, इरादों को पाक कर। खुदावंद हमारी सोचें पॉजिटिव हो, हर सुबह जब उठे तो पॉजिटिव सोच हो। आए खुदावंद ये बहन जो सोच रही है कि इसकी सोच पॉजिटिव हो, खुदावंद ये हर रोज सुबह उठे तो इसकी सोच पॉजिटिव हो यीशु के नाम से। शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, एक एक अपनी बहन के लिए, एक भाई के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो नेगेटिव सोच रही हैं, खुदावंद जो है आपकी जिंदगी से चाहता है कि आप रिहाई पाए, आप बरकत पाए, आप इन सारी सोचों से मेरी बहनों आजाद हो। घोरा भागा सीखा ला भागा सी अला खरा भागा सी अला। खुदावंद अभी इसी वक्त आपसे कलाम करा, खुदा खुदावंद कह रहा है आप माफ करे, आप माफ करे, खुदावंद आपका बदला लेगा, खुदावंद आपका बदला लेगा। घोरा भागा शी अला, कलाम में लिखा है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। ओरा भागा शी अला, खुद बदला लेने की कोशिश ना करे कि मैंने ऐसे क्यों नहीं कह दिया, मैंने ऐसे क्यों नहीं कह दिया, मुझे ऐसे करना चाहिए था। आज जो है ये सारी सोचे जो है वो खुदावंद पे छोड़ दें। कलाम में लिखा है कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पे सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करने को हूँ, मैं सहरा में नदियां बहाने को हूँ। खुदावंद आपकी जिंदगी में सहरा में नदियां बहा रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खुदावंद नहीं चाहता आप इस कश्मकश की जिंदगी को गुजारे, खुदावंद नहीं चाहता कि आप उदास रहे, आप परेशान रहे। खुदावंद चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप खुश रहे। मेरी बेटी तू खुश रहे, मेरी बेटी मैं चाहता हूँ तू शादमान हो, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। अपनी अपनी सारी जो फिक्र है मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरी फिक्र करता हूँ। खुदावंद आपसे कह रहा है खोरा भागा शी अला खरा भागा सी अला। किसी ने कुछ भी आपका किया है जिसको माफ करे मेरी बहन। खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के कलाम को पढ़े, वो आपको तसल्ली देगा, वो तसल्ली का सर चश्मा है। ओरा भागा शी खोरो भागा सी अला खरा भागा सी अला। खुदावंद हम रिब्यूक कर देते हैं सारे ऐसे थॉट्स को, सारे नेगेटिव थॉट्स को जो इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यीशु मसीह नासी के नाम से उनको हम कैंसिल कर देते हैं, रिब्यूक करते हैं। इनके जहन से अभी इसी वक्त निकल जाए ऐसे सारे थॉट्स, और खुदावंद इनको आजाद कर, पाक और साफ कर। तेरा पाक बहता हुआ लहू मांग लेते हैं खुदावंद, तेरे पाक लहू से पाकीज किया जाए, तेरे पाक लहू से मुसबत सोचे आ जाए खुदावंद, पॉजिटिविटी आ जाए खुदावंद, यीशु मसीह नासी के नाम से। और ये तेरा शुक्र करें, तेरी तारीफ करें कि तूने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। तेरा शुक्र हो। खोरा भागा शी अला खरा भागा सी अला। दुआ करता हूँ अभी किसी के अंदर जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके आपके बहुत ज्यादा बदन में दर्द होती है, खुदावंद आपको शिफा दे रहा है। अपना हाथ अपनी उस दर्द के ऊपर रख ले। लॉर्ड हील हर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद उस बहन को शिफा दे, इस भाई को शिफा दे। बदरूहे यीशु के नाम से निकले, बदरूहे यीशु के नाम से निकले। एवरी काइंड ऑफ डीमन कम आउट इन जीसस नेम, एवरी काइंड ऑफ डीमन कम आउट इन जीसस नेम। द ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर लाइफ राइट नाउ, द ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर लाइफ राइट नाउ। Be healed in Jesus' in name. Jesus. Be delivered in Jesus' Amen. name. You are the Amen. tool in the hand of God. Hallelujah. In Jesus' name. आप खुदा के हाथ में आजार हैं। आप cast out नहीं हैं। आप रद्द किए हुए नहीं हैं। आप garbage नहीं हैं। You are a masterpiece. God is speaking with someone. You are a masterpiece of God. Lord bless her, bless him in Jesus name. तेरा शुक्र है। सारी जो रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, उनको हम रिब्यूक कर देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा मुझे बता रहा है, खुदा उनका पाक रूह, कि किसी को फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करें। ओ रबा का सीख लो बगो सी अल खुदावंद, इनको डिलीवर कर सारी ए खुदावंद इस सिचुएशन से, इस मुश्किलात से। खुदावंद जो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है खुदावंद, तो इनको आजाद कर, तो इनको रिहाई दे खुदावंद। लॉर्ड सेट देम फ्री राइट Now in Jesus mighty name, ए खुदावंद तू इनको आजाद कर, ए खुदावंद तू इनके, क्योंकि तूने इनको आजाद रहने के लिए बुलाया है, इसलिए दोबारा गुलामी के जुए में ना जूते। कोई भी गुलामी है जो जना की है, कोई भी गुलामी है चोरी की है, कोई भी गुलामी है जो झूठ की है, कोई भी गुलामी है जो लालच की है, यीशु मसीह नासी के नाम से निकल जाए इनकी जिंदगी से। और ए खुदावंद इनके फाइनेंसिस को बहाल कर ए खुदावंद, जिस वजह से ए खुदावंद ये झूठ बोल रहे हैं, जिस वजह से ए खुदावंद जनाकारी आ रही है, जिस वजह से लालच आ रही है, यीशु
مسیح ناسی کے نام سے جاگتی رہے خداوند, تو ان کے فائنانسز کو بحال کرے خداوند, ایمانداری سے خداوند, سچائی سے تیرا کام کرے خداوند, اور تو ان کے فائنانسز میں برکت دے خداوند, یسوع کے نام سے خداوند. دعا کرتے ہیں تمام ان بہنوں بھائیوں کے لیے جن کے اولاد نہیں ہے خداوند, تو ان کو اولاد جیسی برکت عطا کرے خداوند, خوشیاں عطا کر, جن کے خداوند شادی نہیں ہوئی اور جو شوہر اپنا ڈھونڈ رہی ہیں خداوند, ان کو اچھے جیون ساتھی عطا کرے خداوند, یسوع مسیح ناصری کے نام سے بیٹیوں کو اچھے جیون ساتھی دے, بیٹوں کو اے خداوند تو اچھی بیویاں عطا کر اے خداوند, جو تیری طرف سے اے خداوند, جو تجھ میں ہو اے خداوند, یسوع مسیح ناصری کے نام سے اے خداوند, خاندانوں میں خوشیاں ہیں, بحالیاں اے خداوند, وہ پیار جو تونے میری اور جبران کی زندگی میں رکھا ہے خداوند, یسوع مسیح ناصری کے نام سے, او رب ہکشیا اللہ, یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان سب کے لیے مانگ لیتے ہیں خداوند, یسوع کے نام میں یونٹی آئے خداوند, ان کی زندگی میں پیار آئے, محبت آئے خداوند, پیار اور محبت سے بھر ان کے ریلیشن شپ کو بھر اے خداوند, تو پیار اور محبت سے بھر اے خداوند, یسوع مسیح ناصری کے نام سے اے خداوند, یہ دونوں ایک ہوں, ایک تن ہوں, ایک تن ہوں, او رب ہکشیا اللہ, خرابا گشیا اللہ, خرابا گشیا اللہ, پرانی باتیں جاتی رہی میری بہن, آگے کی سوچے, آگے کی سوچے, خداوند چاہتا ہے نئی راہوں میں, میری بیٹی میں تجھے نئی راہ پہ چلا رہا ہوں, میں تجھے راستہ بتا رہا ہوں, اس پہ چل میری بیٹی, میں تجھے راستہ بتا رہا ہوں, اس پہ چل, گھو رب ہکشیا اللہ, خرابا گشیا اللہ, خرابا گشیا اللہ, او تیرا شکر ہے خداوند, تیرا شکر, تیرا پیس چاہتے ہیں خداوند, وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی ہے خداوند, تیرا اطمینان ان کی زندگی میں آیا ہے خداوند, اور یہ ہمیشہ خوش رہے ہیں خداوند, تیرا شکر. ان ساری درخواستوں کو جو دی گئی ہے اس فیس بک پر لکھی گئی ہے, میں اور گیتا ایماندار ہم سب مل کر ایک ایک درخواست کو, ایک ایک نام کو یسوع تیرے لہو میں چھپاتے ہیں, ان کی درخواستیں تیرے تخت پر پہنچے اور یہ شفا پائیں, میریکل ہو ان کی زندگیوں میں, اور یسوع تیرا نام جلال پائے, تیرا شکر ان گواہیوں کے لیے, تیرا شکر ان زندگیوں کو چھونے کے لیے, ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں یسوع نام میں, آمین آمین آمین, ہاللویہ, تھینک یو فادر, خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو دوسروں تک, تاکہ جیسے آج آپ کو برکت ملی ہے خداوند, دوسروں کے لیے بھی خداوند برکت کے وسائل جو ہے, دروازے جو ہے وہ کھولے, اور ان کو بھی اس کلام کے وسیلے سے برکت ملے. آپ کسی کی زندگی میں خوشی کو بو رہے ہیں, آپ کسی کی زندگی میں کلام کے بیج کو بو رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو پھیلا رہے ہیں, بشارت کا کام کر رہے ہیں, وہ حکم جو خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ تمام قوموں میں جا کر انجیل کی بشارت کا کام کرو, ہم سب نے, میں نے, آپ نے, ہم جو مسیح کا بدن ہے, ہم نے مل کر اس کام کو ادا کرنا ہے. گروپس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پر اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں, اگر کسی کی جو ہے فیملی میں موت ہو گئی ہے کوئی, تو آپ اس پہ سوچتے نہ رہیں کہ ایسے کیوں ہوا, ہماری زندگی میں ایسے کیوں ہوا, خداوند چاہتا ہے آپ نئی زندگی کو سٹارٹ کریں, ایک نیا قدم اٹھائیں جو پازیٹیوٹی کا ہے, جو پازیٹیوٹی کا ہے, تاکہ آپ جو ہے ان راہوں پر چل سکیں, آپ کی زندگی میں وہ کام ہو سکے جو خداوند نے رکھے ہیں آپ کے لیے, وہ کام خداوند آپ کی زندگی میں اکمپلش کر سکے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو سب کو بہت برکت دے, آمین آمین. ضرور کل بھی دیکھیں اس ویڈیو کو جو کہ آئے گی, ہماری پریئر پروگرام ہے ہر جمعرات کو ہم کرتے ہیں, میں اور پاسٹر جبران, ہم دونوں مل کر مشن ایشیا کے فیس بک پیج سے ہم لائیو ہوتے ہیں اور پریئر پروگرام کرتے ہیں, ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, اس میں ہم آپ کی لائیو کالز کو لیتے ہیں, واٹس ایپ کی کال ہوتی ہے, اور آپ تین نمبرز ہوتے ہیں اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں, امریکہ کا بھی نمبر موجود ہے, اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں آپ ادھر بھی کال کر سکتے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ سے بات کر کے. ضرور شیئر کریں اپنی ٹیسٹمنی کو, آج خداوند نے آپ کو کیسے برکت دی, کیا کلام آپ کی زندگی میں خداوند نے کیا, اور آپ کو کیسے رہائی مل رہی ہے, ان سارے پروگرامز کے وسیلے سے ضرور شیئر کریں. واٹس ایپ کا جو ہمارا نمبر ہے میں نے بتایا آپ کو, عورتوں کے لیے خاص کر یہ نمبر ہے, اسپیشل عورتوں کے لیے ہے, پیاری بہنوں کے لیے ہے, بھائی بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صرف جو ہیں بہنیں جو ہیں اس نمبر پہ جو ہے ہمیں کانٹیکٹ کریں. تو جبران بھائیوں کے لیے آپ بتا دیں جو نمبر, میں نمبر بھائیوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں, لکھ لیں, اگر نمبر آپ لکھنا چاہتے ہیں 0046736208, 0046736608, آپ اس پر کانٹیکٹ کریں, اور باقی بھی جو نمبر فیس بک پر آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, مشن ایشیا ڈاٹ او آر جی ہماری ویب سائٹ ہے, ادھر جا کر نمبر لکھ سکتے ہیں, فیس بک کا مشن ایشیا کا جو پیج ہے, انسٹاگرام کا ہے, اور یوٹیوب, ضرور یوٹیوب کو بھی جا کر جو ہے سبسکرائب کریں, کیونکہ سارے پروگرامس ہمارے یوٹیوب پر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتے ہیں, یہ بھی پروگرام جو ہے یوٹیوب پر جو ہے وہ اپلوڈ ہوگا, اور کچھ لوگ کیونکہ وہ فیس بک نہیں استعمال کرتے لیکن یوٹیوب ان کے پاس ہے, تو ہم آپ کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مشن ایشیا ٹی وی آپ لکھیں, آپ کو لوگو ہمارا نظر آ جائے گا, اس کو جو سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن دبائیں, اور آپ جو ہے وہ یوٹیوب کے پروگرامس دیکھ سکیں, اور سیٹلائٹ پر
पर हम मौजूद हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। फिर सरप्राइज हमने, फिर जी सरप्राइज दे दें, बता दें फिर आपको। एंड तक जो रहे हैं लोग उनको सरप्राइज मिलने, उनको सरप्राइज मिलने को है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आज लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, अगस्त में दो हफ्ते के बाद खुदावंद के फजल से खुदावंद ने जो है वो मेरे लिए दरवाजा खोला है और मैं पाकिस्तान में आ रहा हूँ। आई एम कमिंग इन पाकिस्तान खुदावंद के फजल से। और ज़्यादातर तो मैं फैसलाबाद में होऊंगा और ये शॉर्ट ट्रिप होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुदावंद ने हमारे दिल में डाली हैं, हम उनको करना चाहते हैं। आप हमारे लिए दुआ करें और अगर आप फैसलाबाद में आप मौजूद हैं तो ज़रूर आप उन मीटिंग्स में आएँ, मेरे से रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, जो नंबर्स आपके पास लिखे हैं, और आप ऑडियो मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल्स बताई जा सके कि फैसलाबाद में हम कहाँ होंगे, और ताकि आप भी मीटिंग में understand English, I want to tell you that I am traveling to Pakistan in the name of Jesus. The Lord has given us the peace and we were praying for that. And in 2 weeks, in August, from 13th of August until 22nd August, I will be in Faisalabad and we will do some of the meetings also there. And there are other things that the Lord has told us to do. So we will be in Pakistan and we know that the Lord has planned for everything. And we know that the gospel of the kingdom shall be preached in all over the world as a testimony. And then the end will come. So hum bahut sare aise program udhar karenge, ibadat karenge, jo khuda ne hamare dil mein dala hai, to hum ja rahe hain. To jo Faisalabad mein rehne wale hain ya Lahore mein rehne wale hain, to wo aap jo है वो जरूर शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी हमारी टीम के लिए भी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी हमारी टीम के लिए भी। अभी किसी को नहीं पता, आपको सिर्फ पता है, खुदा ने बताया तो हमने कहा कि जरूर हमारी फेसबुक फैमिली कॉम जो है वो पहले बताएंगे। तो खुदा आप सबके साथ बिल्कुल। और जो कैंपेन जो है जिसकी बात कर रहे हैं, जबरान करेंगे फैसलाबाद में जाकर जो है करने को है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जरूर आप भी उसमें शामिल हो। अगर आप लाहौर वगैरह में या इर्द गिर्द कहीं इलाके में रहते हैं, शहरों में रहते हैं पास पास, तो आप ज़रूर शामिल हो सकते हैं। तो हम जल्द ही आपको बताएंगे किस जगह पर भी हो रहा है, फैसलाबाद में किस जगह पर हो रहा है, ये भी हम जल्दी ही बताएंगे। अगर आप इसके लिए हदिया देना चाहते हैं अपना, आप चाहते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है बशारत और ज़्यादा बढ़ सके, खुदावंद के कलाम के लिए दिया जा सके ताकि उसका कलाम फैले, हमें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है और ना हम एक रुपया भी जो है हम अपनी ज़ात पर खर्च नहीं करते और ना हम करना चाहते हैं। ये पैसा जो है खुदावंद की इमानत है और खुदा जानता है कि हम एक एक पैसा जो है हम खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी टीम जो है इन बातों का ख्याल रखती है कि हर पैसा जो है खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो और जो है कोई भी ज्यादती ना हो, किसी भी चीज में जो है, किसी पैसे में जो है ज्यादती ना हो। अगर आप आज आप बीज बोना चाहते हैं मिशन एशिया में, बीज बोना चाहते हैं ताकि मिशन एशिया और बढ़े और जो है खुदा का कलाम ये और जगहों पर लेकर जाए, इससे जैसे आपको बरकत मिल रही है और बहुत सारे दूसरे लोगों को बरकत मिले, तो जरूर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमें खुशी होगी और हम आपके लिए बरकत का वसीला बनेंगे, बरकत का बायस बनेंगे, आपके लिए दुआ करते रहेंगे ताकि आपको खुदावंद मल्टीप्लाई करे। वो फाइनेंसिस जो आप खुदा की खिदमत के लिए, कलाम के लिए बो रहे हैं, खुदावंद उनको मल्टीप्लाई करे और वो बढ़ता जाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आज का ये प्रोग्राम देखने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, अपना रिस्पांस देने के लिए। और मैं देख रही थी बहन किरण लिख रही थी कि आज का कलाम मेरे लिए है, तो ज़रूर लिखें आज का, अगर ये कलाम आपके लिए था ज़रूर लिखें, हमें बहुत खुशी होगी। हम सारा जलाल खुदावंद के नाम को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुश रहें। सारी नेगेटिव सोचों को एक साइड पे अब कर देना है और पॉजिटिव सोचें सोचनी है, खुदावंद के कलाम में भरना है और उसकी हम्द करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि कलाम कहता है कि जो शुक्रगुजारी की का हदिया खुदावंद की हजूरी में देता है वो खुदावंद की हम्द करता है, वो खुदावंद की तमजीद करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत मिल दे। अगले बुध को फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 8:30 पर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर होंगे, फेसबुक पर हम लाइव होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।